हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नया साल 2018 आने वाला है और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी जानना चाहते हैं नया वर्ष हमारा कैसा होगा, किस चीज़ में हमें तरक्की मिलेगी, किस चीज़ में हमको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। चलिए मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाओं के साथ आप सभी की राशियों के बारे में कुछ परिचित करा देता हूँ। पहली राशि है एरीज, एरीज यानी के मेष, जो जातक 21 मार्च और 19 अप्रैल के मध्य पैदा होते हैं उनकी राशि एरीज या मेष होती है। तो मेष राशि वालों तैयार हो जाइए, 2018 में शुरुआत में मंगल सप्तम और अष्टम भाव में होने से पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपको धीरज से काम लेना है और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मार्च में थोड़ा सावधानी बरतें। कैरियर की दृष्टि में इस साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी। विवाह करना चाहते हैं तो बहुत शुभ अवसर है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है, माता पिता से संबंध बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। अपने मन की बात आप घर वालों से शेयर कीजिए, विवाद से बचिए और जहाँ तक हो सके शांत रहकर दूसरों का मन जीतने का प्रयास कीजिए। मध्य सितंबर के बाद से आपका शुभ समय आ जाएगा। दूसरी राशि टॉरस यानी के वृष, जो लोग 20 अप्रैल और 20 मई के मध्य में जन्म लेते हैं उनकी राशि टॉरस या वृष होती है। तो वृष राशि वालों चलिए आपके बारे में बताता हूं। नए साल में पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रहेगा और फर्ज समझ के जरूरतों को पूरा करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। अष्टम भाव में स्थित होने से शनि स्त्रियों की कुंडली के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा धार्मिक कार्यों में अपना ध्यान लगाकर इन सब परिस्थितियों से ऊपर उठ सकती हैं। और यदि कोई बीमारी आपको पकड़े तो उसकी शुरुआत में ही इलाज करवाइए, अक्टूबर के बाद से आपकी स्थितियां सुधरनी प्रारंभ हो जाएंगी। कुछ यात्राओं का भी योग बनता है, आपके बच्चे तरक्की करेंगे, प्रदर्शन अच्छा होगा। ध्यान रखिए और थोड़ी सी सावधानी के साथ आगे बढ़िए, आपका वर्ष शुभ हो। मिथुन राशि, जो जातक 21 मई से लेकर के 20 जून के मध्य पैदा होते हैं उनकी राशि मिथुन पड़ती है, इंग्लिश में जेमिनाई कहते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये समय ठीक भी है और कुछ चेतावनी वाला भी है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनके प्रबल योग हैं कि शादी हो जाएगी, शादी का प्रबल योग बन रहा है। नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा। यदि आप घर से दूर जा रहे हैं तो आपके लिए शुभ होगा। साल के अंत में कुछ खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको लाभ अधिक हो रहे हैं। थोड़ी बहुत पेट पैर का दर्द या गठिया या इस तरह की शिकायतों आपको हो सकती हैं, लेकिन सावधानी बरतेंगे तो आपको लाभ ही होगा और आर्थिक रूप से इस साल बहुत अच्छा जाने वाला है। कैंसर राशि या कर्क, 21 जून और 22 जुलाई के मध्य जन्म लेने वाले जातकों की राशि कैंसर पड़ती है और इनकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं बता देता हूं आपको। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, छोटी मोटी दिक्कतें तो होती ही रहती हैं, वो आप संभाल लेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा असंतोष महसूस कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेंगे, वो भी समस्या आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। शुरुआत के अंत में, साल के शुरुआत में संतान को थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन आप प्रेम से समझाएंगे तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सम्मान भी बढ़ेगा। वाद विवाद से बचना, सावधानी रखना, ये सब समझदारी है।
और बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए रोगों से बच के चलिए। 23 जुलाई से 22 अगस्त तक जन्म लेने वाले जातक लियो राशि में आते हैं। हिंदी में इसको सिंह कहते हैं। सिंह राशि वालों, नई ऊंचाइयों पे आपको ले जाने के लिए ये साल तैयार है। संतान यदि कोई व्यवसाय के लिए सहायता मांगे तो तैयार रहिए, सहायता कीजिए, बहुत आगे जाने वाली है। धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में आप इस साल काफी समय बिताने वाले हैं। तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। माता पिता की ओर सकारात्मक रुख अपनाइए, इससे आपकी सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और गर्भवती महिलाएं थोड़ी सावधानी बरतें और प्रेम में फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत इस साल है आपको। शुभ समाचार आपका इंतजार कर रहा है। कन्या राशि वालों, 22 अगस्त और 22 सितंबर के बीच जन्मे लोग, वर्गो या कन्या, चतुर्थ भाव में शनि होने से माता पिता के साथ रिश्तों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रॉपर्टी को लेके विवाद भी संभव है, परंतु न्याय के रास्ते पर रहेंगे तो आप ही की जीत होगी। छात्रों को इस वर्ष सफलता के लिए थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अक्टूबर के बाद से आय में और अधिक वृद्धि हो सकती है। सहयोग तो सभी का मिलेगा। संबंधियों से कुछ कड़वाहट हो सकती है रिश्तों में, परंतु यदि आप थोड़ा सा धीरज से काम लेंगे तो अंत तक सब कुछ सुलझ जाएगा। मेरी बातों का ध्यान रखिए। 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के मध्य जन्म लेने वाले जातक तुला राशि या लीब्रा में आते हैं। तो तुला राशि वालों, तैयार हो जाइए अपने बारे में जानने के लिए। तुला राशि वाले जातक शनि, चतुर्मेश और पंचमेश होने की वजह से योग कारक ग्रह है। आपका घर परिवर्तन संभव है। भाई बहन के साथ थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। संतान के कारण विवाद भी हो सकता है। घर में थोड़ा सा खर्चा अधिक हो सकता है, आप साज सज्जा में खर्च कर सकते हैं। यात्राएं लंबी होंगी, लेकिन आलस से दूर रहें तो फायदा होगा। व्यवहार सामान्य होगा, लेकिन आप सूझबूझ से काम लेके अंत में वर्ष अपने फेवर में कर लेंगे। अगली राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो, 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच पैदा होने वाले जातक, शनि देव 2018 में आपके दूसरे भाव में हैं। परिवार के साथ स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन झूठ बोलने से बचिए। शनि उसका आपको कुछ ना कुछ प्रतिफल जरूर देते हैं, तो सत्य बोलिए। सत्य की राह पर आपको अंत में जीत मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्रत्येक काम में अवश्य मिलेगा। और चुनौतियां तो होंगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से सजग रहने की आवश्यकता है। अक्टूबर तक आपके खर्चे काफी होते रहेंगे, लेकिन वित्तीय स्थिति को बिगड़ने से बचाइए और उस पर कंट्रोल कीजिए। विदेश जाने का उत्तम योग बन रहा है, फायदा उठाइए। और आप शनि की पूजा अवश्य कीजिए। 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक जन्मे जातक सेजिटेरियस या धनु इस राशि में होते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं इस राशि के लोग। स्वामी गुरु लाभ भाव में बैठकर संतान और विवाह का भाव देख रहा है, अतः जातक आपको शादी और बच्चे का प्रबल योग है। शादी की तैयारियां प्रारंभ कर दीजिए। परिवार में सदस्य बढ़ सकते हैं। थोड़ी नोकझोंक तो रहती ही है, वो आप अपनी बुद्धि से सॉल्व कर लेंगे। माता पिता संतान के साथ संबंध ठीक रहेंगे और रिश्तों में थोड़ी सी प्रगाढ़ता बढ़ेगी। अगर कुछ नोकझोंक हो तो आप सुधार लीजिए उसको। विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेहनत अधिक करेंगे तो अच्छा फल आएगा। और गाड़ियां चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिए। मकर राशि यानी कैप्रिकॉन, 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक जन्मे जातक कैप्रिकॉन में आएंगे। ये साल इनके लिए बहुत अच्छा दिखने वाला है। खर्च तो होगा,
लाभ अधिक होगा। खर्च यदि आप थोड़ा सोच समझ कर करेंगे और सही चीजों में लगाएंगे तो वर्ष आपको अत्यधिक लाभ देकर जाने वाला है। छोटा मोटा विवाद हो सकता है प्रॉपर्टी का, उससे बचिए, क्रोध पर नियंत्रण कीजिए, मनमुटाव को आपस में सुलझा लीजिए। माता पिता के साथ रिश्ते आपके अच्छे और सामान्य रहने वाले हैं। अगली राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस। इस राशि का समय होता है 20 जनवरी से 18 फरवरी तक। कुंभ राशि वालों, अच्छा संकेत है, पुरानी योजनाओं को इस साल आप मूर्त रूप दे सकते हैं, इच्छा पूर्ति हो सकती है, आपको सफलता भी मिलेगी और जीवन में आगे बढ़ने का समय आ गया है। कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो तो आपस में उसको सुलझा लीजिए। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। माता पिता पर आप अधिक बोझ न डालें, उनके धन का उपयोग करें, वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहेगी, आनंद आपको मिलते रहेंगे, सुख सुविधाओं का आप लाभ उठाएंगे। आखिरी राशि मीन यानी पाइसीज। 19 इसका समय मैं बता देता हूं आपको, जनवरी 19 से 20 फरवरी, और इनके बारे में जो मुख्य बातें इस साल होने वाली हैं, अक्टूबर तक आपका सारी मुश्किलें खत्म हो जाने वाली हैं। परिवार के सदस्यों में जो दिक्कतें चल रही है वो सब खत्म हो जाएंगी, प्रॉपर्टी का विवाद भी खत्म हो जाएगा। धन को सोच समझ के खर्च करें, भाई बहन का सहयोग मिलने वाला है, आय में वृद्धि होने वाली है। यदि आप बीमार हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए, लीवर का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो बस इन सभी राशियों के लिए इतना ही, और सभी के लिए मैं बता दूं कि ये इस वर्ष बहुत शुभ हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। और इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और इस वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम।